विषय हिंदी 8वीं अब गांव और शहर। बच्चों आज हम गांव और शहर यह कविता देखने वाले हैं। चलो बच्चों अब हम चलते हैं लेखक के परिचय की ओर। परिचय। जन्म 1967 लखनऊ। परिचय। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियां। अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। चलो बच्चों अब हम चलते हैं पाठ की ओर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। सुर का मतलब क्या है? स्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा का मतलब क्या है? आँख, दृष्टि, निगाह। देखो बच्चों यहाँ कवि क्या कर रहा है कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो वहाँ बदलाव आते हैं। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है। देखो आगे क्या कहता है। इस बदलाव को शहर आंखें फाड़कर क्या देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए। देखो क्या कहता है कवि। गांव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों में जा रहे हैं। शहर ठसाठस भर रहे हैं। वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है, यानी वहाँ पाव रखने के लिए भी जगह नहीं है। उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। देखो कवि ने पीपल का क्या अर्थ लिया है कि गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव से लाखों लोग शहर आते जाते रहते हैं, पर उनके पास रहने की जगह नहीं है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब क्या है? परमेश्वर का एक नाम। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर का मतलब क्या है? टक टक लगाकर। देखो कवि क्या कहता है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है, इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। देखो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।